दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो ये बात मैं नहीं करना चाहूँगी, है कि नहीं है ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, अगर बोलूँगी तो मतलब नजर लग जाती है, तो इसे ये बात ना की जाए, ये मेरा निजी मामला। पाकिस्तान से अवैध रूप से नोएडा आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल सीमा हैदर के गर्भवती होने की चर्चा शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से आई महिला के पेट में उसका पांचवां बच्चा पल रहा है, जो कि यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा का है। दावा है कि सचिन चेकअप कराने के लिए उसको लेकर गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसे देखा तो वो दंग रह गया। ऐसे में तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या सीमा अपने भारतीय बच्चे की नागरिकता के लिए ये सब कर रही हैं। वहीं सचिन इस बात से परेशान भी हैं कि अगर सीमा वापस पाकिस्तान चली जाती हैं तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसको लेकर अब खुद सीमा हैदर ने मुंह खोला है और उन्होंने बड़ी बात कही। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 15 अगस्त के मौके पर सीमा हैदर ने एक बार फिर से जैसा देश वैसा भेस वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने रबूपुरा स्थित अपने घर पर ही तिरंगा लगाकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इस दौरान सचिन उनके साथ मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह। सीमा ने अपने घर में ही राष्ट्रीय ध्वज लगाकर भारत माँ की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं वकील एपी सिंह ने सीमा हैदर के ऊपर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सीमा हैदर ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सचिन और सीमा फायरफॉक्स प्रोडक्शन के तले सीमा हैदर की कहानी को लेकर उनकी प्रेम कहानी रुपहले पर्दे पर लाई जानी थी, जिसके प्रोड्यूसर थे अमित जानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ सीमा हैदर और सचिन से मुलाकात भी की थी। उसके बाद उन्होंने रोल निभाने के लिए मॉडल का ऑडिशन तक ले लिया था। वहीं पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं ये उनका निजी मामला है। दरअसल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की सुरक्षा के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है, जिसके बाद सचिन के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। 1 महीने से मजदूरी पर न जाने के चलते परिवार के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऊपर से सीमा हैदर के 4 बच्चों का भरण पोषण भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। सीमा हैदर को लेकर के बीते कई दिनों से प्रेगनेंसी की खबरें चल रही हैं। अब सीमा हैदर ने खुद बताया है कि अभी इस पर वो कोई बात नहीं करेंगी, वो अगर इस पर बात करती हैं तो नजर लग जाती है। क्या कुछ कहा है सीमा हैदर ने, सुन लीजिए। दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो ये बात मैं नहीं करना चाहूँगी, है कि नहीं है ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, अगर बोलूँगी तो मतलब नजर लग जाती है, तो इसे ये बात ना की जाए, ये मेरा निजी मामला। दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो ये बात मैं नहीं करना चाहूँगी, है कि नहीं है ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, अगर बोलूँगी तो मतलब नजर लग जाती है, तो इसे ये बात ना की जाए, ये मेरा निजी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची के रहने वाली सीमा हैदर को पबजी गेम के चलते रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने गुपचुप तरीके से नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद 13 मई को अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत आ गईं और उसके बाद रबूपुरा में रहकर दोनों ने शादी करने की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।